दुबई में सोना सस्ता मिलता है, कितना सस्ता मिलता है इंडिया से, ये बताने के लिए मुझे आपको एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड का रेट रोज़ चेंज होता है। आपको पता भी नहीं होगा, 18 कैरेट गोल्ड भी होता है, 21 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है, 24 कैरेट भी होता है। यूजली जो इंडियंस ज्वेलरी यूज़ करते हैं या पाकिस्तानी ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो 22 कैरेट में यूज़ करते हैं, उसका रंग हल्का सा खट्टा पीला होता है, और जो ज्वेलरी 18 कैरेट में बनती है उसका रंग हल्का खट्टा पीला होता है, ज़्यादा खटास में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें खोट थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछे कि ममता, अगर हम 18 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या? 18 कैरेट गोल्ड में हमेशा आपको डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे मिलते हैं, क्योंकि बारीकी से उससे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि खोट डालने से वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, और उसके डिज़ाइंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे जो आपको 18 कैरेट में मिलेंगे। बाकी रही बात गोल्ड रेट की, गोल्ड रेट वर्ल्ड वाइड होता है, खाली ये नहीं है कि दुबई में गोल्ड का रेट सेट है, पूरी दुनिया में गोल्ड का रेट हर एक कुछ घंटों में या कुछ टाइम के बाद फ्लक्चुएट होता है, जैसे शेयर मार्केट का होता है। बाकी ये स्क्रीन दुबई में आपको नजर आएगी हर जगह, कहीं पे भी गोल्ड आप लेने जाएंगे वहाँ पे इस तरह से उस दिन का जो गोल्ड रेट है वो आपके सामने होगा। जब आपका बिल बनेगा तो आप बिल के ऊपर उसी टाइम का जो गोल्ड रेट है उसी से ही बिल बना हुआ पाएंगे, कभी भी यहाँ पे आपको धोखा नहीं दिया जाता।